सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो मेरा सेशन होगा यूजफुल होगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल वन के लिए, एंड नाबार्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इफको का एग्ज़ाम होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच उसे शेयर करेंगे, और मेरे व्हाट्सएप की जो एग्री डिस्कशन ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए अपना जो नंबर है वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको वहाँ से जोड़ लूँगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो आज मैंने ये वीडियो लिया है टोटली डिपेंडेंट है, डिपेंड होगा एग्रीकल्चर जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो ऐप चलाए जाते हैं, जो ऐप वहाँ से रिलीज की गई है, तो वहाँ से मैंने इस ऐप की इन्फॉर्मेशन आपके बीच पहुँचाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फार्मर्स के लिए कौन कौन से ऐप यूजफुल हैं। तो फर्स्ट है जो किसान सुविधा ऐप, ये लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 मार्च 2016 को, जो कृषि उन्नति मेला दिल्ली में हुआ था। वो 3 दिन का मेला होता है जो 19 से 21 मार्च 2016 तक चला था। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, मार्केट प्राइसेस, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चर मशीनरीज। तो जो यहाँ पे देखिए इंटरफेस इसका काफ़ी नॉर्मल है, वेदर, डीलर, मार्केट प्राइस, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रो एडवाइजरी, कॉल टू केसीसी। तो यहाँ पे जो वेदर है, वेदर का जो ऑप्शन है इसमें 5 डेज आगे का, जो जिससे जहाँ पे आप हैं वहाँ पे, जिस ज़िले से आप यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है कहाँ से आप हैं, तो उस ज़िले की आपकी जो मौसम की जानकारी है वो 5 दिन आगे की मिलती रहती है, जिससे किसान जान सकते हैं कि हमारे अगले 5 दिन का मौसम कैसा रहने वाला है, उसके अनुसार से वो अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का एक मुहिम है, जिससे किसानों को स्मार्टफोन के जरिए जोड़ने की कवायद की गई है, जिससे फार्मर्स जो है एक ऐप में सारी जानकारी क्रॉप की, वहाँ की मार्केट प्राइसेस की, और जो भी इन्फॉर्मेशन उनको लेना है, डीलर्स वहाँ के आसपास कौन कौन से डीलर्स हैं, इनपुट डीलर जैसे फर्टिलाइज़र, सीड्स, इम्प्लीमेंट की, जितने भी वहाँ पे आप इसको यूज करेंगे देखेंगे काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट पूसा कृषि ऐप, ये लॉन्च किया गया था 21 मार्च 2016 को, जो कृषि उन्नति मेला हुआ था 2016 में, उसके लास्ट डे जो था हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। वैलिडेटरी सेशन था वहाँ पे कृषि उन्नति मेला का, तो उसी दिन ये लॉन्च किया गया था। ये जो ऐप है वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप डेवलप्ड बाय आईसीआर। आईसीआर के द्वारा जितने भी क्रॉप की वेराइटी डेवलप की जाती है वो किसानों तक पहुँचाने के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिससे कि वो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं, जो मौसम के अनुसार से वेराइटीज लगाना चाहते हैं, या फिर कोई रिलीज होती है वैरायटी जो कि अच्छी अधिक प्रोडक्शन दे सकती है, उस वैरायटीज की जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड किया गया है। और कल्टीवेशन प्रैक्टिस एज वेल एज फार्म मशीनरी, जो कंजर्विंग कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, उसके माध्यम से फार्म मशीनरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल हेल्प इंक्रीजिंग रिटर्न टू फार्मर। ये फार्मर्स के रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए ये बनाया गया है, जो हमारे पीएम मोदी का सपना है, जो 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि एक आईसीआर के माध्यम से जो भी वैरायटी रिलीज की जाती है इस ऐप में अपडेट रहती है, आप इसे एक बार डाउनलोड करेंगे तो आप जितने भी वैरायटीज हैं उसकी जानकारी आप ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। और भी बहुत सारी इस पर जानकारी है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा तो फिर प्लांट प्रोटेक्शन बहुत सारे मेन्यूज खुलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट ऐप, एम किसान ऐप। ये ऐप जो डिजाइन किया गया है इन हाउस आईटी टीम ऑफ डीएससी विद द हेल्प ऑफ सीडेक पुणे, ये हमें जानना है कि ये फार्मर्स के लिए कितना
बहुमूल्य है। तो इट इनेबल फार्मर्स एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर टू ऑब्टेन एडवाइजरीज एंड इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट बाय एक्सपर्ट। ये इंफॉर्मेशन इससे जो रिलीज की जाती है फार्मर को एंड अदर जितने भी स्टेक होल्डर इसमें जुड़े रहते हैं, या फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है। देखिए ये जो रजिस्टर मेनू है, यहाँ पे आप जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। सभी ऐप की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्या, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हमें जानकारी रखनी चाहिए। ये नहीं कि पिछले बार करंट अफेयर्स पूछा तो चलो, इस बार ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा और लगेगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल वन के लिए, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी जानकारी रखना, ये नहीं कि काफ़ी हार्मफुल होगा यदि ये जानकारी रख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं एम किसान ऐप। एम किसान ऐप जो है, इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है, उसके बाद यहाँ से जितने भी इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है वहाँ मैसेज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, या फिर वॉइस के माध्यम से यहाँ पे चूज करना होता है। यदि आप मोबाइल अपना रजिस्टर करते हैं तो फिर उसके रजिस्टर करने के बाद फिर एक मैसेज आता है कि थैंक फॉर रजिस्टरिंग ऑन एम किसान ऐप। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस ऐप को ज़रूर एक बार यूज करेंगे। ये बहुत सारा यहाँ पे मोबाइल ऐप्स लिंक्स, बहुत सारे ऐप के लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें आप रजिस्टर करेंगे, मेनली फार्मर्स के लिए यूजफुल ये होता है कि हमारे मौसम की जो भी वेदर की जानकारी होती है वो मिलता है। फिर जो भी वेराइटीज़ है कैटल से, जो भी रिलेटेड है फिशरीज से, यहाँ पे चूज करना होता है कि हम किस किस प्रकार का मैसेज किस फील्ड से हम लेना चाहते हैं, तो ये चुन करके हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है सेतकी मासिक एंड्रॉयड ऐप। सेतकी मासिक एंड्रॉयड ऐप जो कि बेसिकली महाराष्ट्र के लिए बनाया गया है, जो देख रहे हैं आप मराठी लैंग्वेज में ये दिया गया है। सेतकी मासिक ये काफ़ी फेमस ऐप है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंथली मैगजीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर पब्लिकेशन सिंस 1965। इट इज़ पब्लिश्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर महाराष्ट्र। तो मैंने ये जो भी महाराष्ट्र हमारे व्यूअर हैं तो वो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे इस ऐप का एक बार ओवरव्यू कर लेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि द एंड्रॉयड ऐप फॉर सेतकी मैगजीन हैज़ ए वेरी सिंपल इंटरफेस एंड रिक्वायर्स मोबाइल इंटरनेट या वाईफाई कनेक्टिविटी टू रजिस्टर एंड डाउनलोड द। रजिस्टर करने के लिए या फिर एक बार डाउनलोड करने के लिए कोई भी चीज़ को आपको एक बार मोबाइल कनेक्टिविटी या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसके बाद एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं तो रीड करने के लिए हमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही बहुत अच्छा चीज़ है। वो वहाँ की जो मार्केट है या फिर जो भी मैगजीन में प्रकाशित की जाती है वो एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से उसकी लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म ओपीडिया। फॉर्म ओपीडिया एक ऐप है जो डेवलप किया गया है CDSE मुंबई द्वारा, और ये एप्लीकेशन जो है मल्टी लैंग्वेज है और एंड्रॉयड ऐप फॉर टारगेटेड द रूरल गुजरात के लिए टारगेट किया गया है, जो कि गुजरात में जो भी हमारे रिमोट एरिया में फार्मर्स हैं उनको मोबाइल ऐप के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। ऐप का एक ही मोटो होता है कि इंफॉर्मेशन जो है उनके एक मोबाइल के एक डब्बे में उनको सभी तरह की जानकारी मिल सके, क्रॉप के बुवाई से लेकर के उनकी मार्केटिंग तक। तो इट इज़ ए अवेलेबल इन इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। द मेन फंक्शन फंक्शनलिटीज ऑफ द ऐप गेट सुटेबल क्रॉप एज पर सॉइल एंड सीजन। यहाँ पे कौन सी क्रॉप हमारे सॉइल के लिए या फिर सीजन के लिए सुटेबल होती है वो यहाँ पे जानकारी मिलती है। गेट क्रॉप वाइज इंफॉर्मेशन, क्रॉप वाइज इंफॉर्मेशन, यदि गुजरात के हैं, गुजरात के लिए ऐप बनाया गया है, तो कॉटन की जो भी बेसिक जानकारी होगी उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, उसकी प्रोडक्शन से, उसकी प्रैक्टिसेस से, तो यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है। गुजरात के जो भी हमारे व्यूअर होंगे वो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। चेक वेदर इन योर एरिया। हम जो इस एरिया से रिलेट करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया की क्या वेदर है, नेक्स्ट जो वेदर क्या होने वाला है नेक्स्ट डे, उसकी जानकारी हमें मिलती रहती है। मैनेज योर कैटल, कैटल की फीडिंग, उसके डिजीजेज और उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मिल्क से रिलेटेड, तो इसे ये सब जानकारी जो है फार्मोपीडिया के माध्यम से मिलती रहती है। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। जो ये ऐप है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उससे रिलेट करके ये ऐप बनाया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नोटिफाइड क्रॉप बेस्ड ऑन एरिया।
ये जो नोटिफाइड क्रॉप है, नोटिफाइड एरिया का, वहाँ पे हम प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इतना एकड़, इतना हेक्टेयर हमारा एरिया है तो उसके क्या प्रीमियम होंगे, और उसकी वो कौन सा क्रॉप है उसके लिए कौन सा कितना प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। तो कवरेज अमाउंट एंड लोन अमाउंट इन केस ऑफ लोनर फार्मर, जो भी ये कवर करता है, लोन अमाउंट एंड केस ऑफ लोनर अमाउंट, जो भी लोन लोन है, डेबिटर हैं जो भी, उनको ये कवर करता है। इट कैन एल्सो बी यूज टू गेट डिटेल्स ऑफ नॉर्मल सम इन, जो भी ये मतलब मेन मोटो इस ऐप का है, जो भी प्रीमियम डिटेल है, सब्सिडी इन्फॉर्मेशन है, नोटिफाइड क्रॉप, क्रॉप बेस्ड जो हमारा इंश्योरेंस है, वो हमें ये जानकारी मिलती है इस ऐप से। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड ऐप है। यहाँ से आप क्रॉप प्रीमियम की जानकारी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एग्री मार्केट, ये काफ़ी यूजफुल ऐप है हमारे फार्मर्स के लिए। एग्री मार्केट ऐप कैन बी यूज टू गेट द मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप इन द मार्केट्स विद इन 50 किलोमीटर ऑफ डिवाइसेस लोकेशन। ये डिवाइस की लोकेशन जो कि GPS के माध्यम से कह रहा है, दिस ऐप ऑटोमेटिकली कैप्चर द लोकेशन ऑफ पर्सन, जो हम जिस मोबाइल में आप इसका यूज करेंगे वहाँ आपका लोकेशन GPS के माध्यम से जो लोकेशन आती है वो फेच करती है कि आपके निकटतम 50 किलोमीटर की जो अराउंड कोई भी मार्केट होगा उसकी, उस वहाँ पे जो कमोडिटीज होगी उसकी क्या रेट होती है, वो हम वहाँ पे हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर मैक्सिमम डाले हुए, लेकिन फिर भी हमारे नीचे किसी भी मार्केट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे आसपास किसी भी मार्केट इस पर रजिस्टर्ड नहीं है, जिससे कि मैं इसका जो इसका बेनिफिट है नहीं ले पा रहा हूँ। आप इसे डाउनलोड करके अपने जो आपके निकट जो भी मार्केट होगा उसका इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर रखेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा अप्रूव्ड किया गया ऐप है। यहाँ पे देखिए उसका यूजर इंटरफेस काफ़ी ईजी होता है, फार्मर्स के लिए होता है, काफ़ी ईजी होता है। दीज आर अनदर ऑप्शन टू गेट प्राइस ऑफ द एनी मार्केट एंड एनी क्रॉप, किसी भी क्रॉप का हम प्राइस पता कर सकते हैं। केस पर्सन डज नॉट वांट टू यूज GPS लोकेशन, तो यहाँ पे हम GPS लोकेशन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है पशु पोषण, पशु पोषण एक ऐप है जो कि NDDB के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज ऑन फोन्स एज वेल एज टैबलेट विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर बैलेंस आसन। ये एक्चुअली जो ये ऐप है वो कैटल के लिए है। यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है, राशन इज फॉर्मुलेटेड वाइल ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट कंसिडरिंग एनिमल प्रोफाइल, एनिमल प्रोफाइल के देखते हुए हमें उसका राशन जो बैलेंस राशन का फॉर्मुलेट करते हैं। काफ़ी इस पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो भी डेयरी से हमारे व्यूअर हैं वो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे इस ऐप का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए NDDB का लोगो है, फिर पशु पोषण का लोगो है। क्रिएट न्यू अकाउंट, ये अच्छा सिक्योरिटी काफ़ी, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मीट प्रोड्यूसर के लिए भी एडवाइस दिया जाता है टू एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ द लोकली अवेलेबल फीड इनिग्रेंट ऑफर्ड ऑन देयर एनिमल एलोंग विद द मिनरल मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए कैटल, बुफाइलो, बुफाइलो एज, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क फैट, फीडिंग रिजाइन, मतलब होल यहाँ पे कैटल से रिलेटेड आपको ये जानकारी मिलती है। इसमें याद रखने वाली बात यही है कि पशु पोषण, एक क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है, पशु पोषण जो है किसने डेवलप किया, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो यहाँ से इसी तरह के ऑप्शन जो MCQ में बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल ऐप है ई नैम ऐप, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, UPSC प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन था ई नैम का। तो यहाँ पे हमें देखना है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिशनल पोर्टल विच नेटवर्क्स इज एग्जिस्टिंग APMC मंडीज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। और फ्रेंड्स जो यहाँ पे ई नैम जो है, जो मार्केट है, इसमें बहुत सारे मार्केट जोड़े भी गए हैं, अभी बहुत सारे जोड़ना बाकी भी है। टारगेट है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का टारगेट है कि बहुत सारे इसमें मंडी जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको डाउनलोड मस्ट करेंगे, जो भी AFO के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको ज़रूर डाउनलोड करेंगे और इस ऐप को ज़रूर
ऑपरेट करेंगे जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। तो देखिए अबाउट नेम, यहाँ पे आपकी नेम से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आ जाएगी। मंडीज ऑफ नेम ऑन नेम, कितने मंडीज रजिस्टर्ड है आपको, ये जो होता है ना कि मतलब अपडेट होते रहते हैं मंडियाँ, तो लास्ट अपडेट में कितना मंडीज हैं और कितने सिटीज को लिया गया है, कमोडिटीज कितने कमोडिटीज ऐड किए गए हैं, उसकी प्राइसेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे लॉग इन करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है मंडीज का। तो द नैम पोर्टल प्रोवाइड्स ए सिंगल विंडो सर्विस, फॉर ऑल ए पी एम सी रिलेटेड। फ्रेंड्स मैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ए पी एम सी का फुल फॉर्म, मुझे आपसे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस फुल फॉर्म का। ये मतलब आज का वीडियो का ये असाइनमेंट रहा, जितने भी हमारे व्यूअर हैं जरूर देख रहे हैं, तो वो ए पी एम सी का फुल फॉर्म जरूर जानेंगे, यहाँ पे काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। दिस इंक्लूड्स कमोडिटी अराइवल, जो कमोडिटी अराइवल हो रही हैं उसके प्राइसेस क्या क्या हैं, बाय एंड सेल ट्रेडर्स ऑफ ट्रेड ऑफर्स, यहाँ पे बायर्स भी होते हैं सेलर्स भी होते हैं, प्रोविजन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेड ऑफर्स अमॉन्ग अदर सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज इसमें ऐड हैं। तो इन ऐप एक पोर्टल भी है, एक एंड्रॉयड ऐप भी है, तो जानकारी आप इन ऐप पोर्टल से भी ले सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा है या फिर नहीं। इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो मैं इस वीडियो को लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी। जय जवान जय किसान।